अच्छा, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है सर बीएससी आईटी को लेके आप बहुत सीरियस रहते हो और बीएससी आईटी मतलब आप समझते हो कि बहुत कुछ है। जी हाँ बिल्कुल, मैं सही समझता हूँ और आप भी समझ जाओ तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि देखो एक करियर ऑप्शन ऐसा बीएससी आईटी है ना जो आपको करोड़ों की पैकेज दे सकता है। और बीएससी आईटी करने के बाद लोग गूगल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन में, माइक्रोसॉफ्ट में, एचसीएल में, विप्रो में, इन्फोसिस में, बहुत सारी कॉन्जेंट में, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जहां पे करोड़ों की पैकेज लेके ऐश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है, देखो बीएससी आईटी आप ऐसी जगह से करो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कूट कूट के दिया जाए, ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए कि आपको जॉब लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रैक्टिकल नॉलेज ही सब कुछ है, क्योंकि बीएससी आईटी आप कहीं से करते हो अगर आपकी स्किल अच्छी नहीं है ना तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम झेल जाओगे। आपको अपनी स्किल पे काम करने की जरूरत है, जब तक अपनी स्किल पे काम नहीं करोगे, जब तक अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करोगे, स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के नहीं जाओगे तब तक ये चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। तो अपने स्किल को इम्प्रूव करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब आप अपने स्किल को इम्प्रूव करोगे, जब अपनी स्किल के साथ काम करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, और जब अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी तो ऑब्वियसली आपके लिए आपका जो करियर है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अब बीएससी आईटी देखो कहीं भी करने जा रहे हो, सबसे पहले आप बीएससी आईटी अगर बीएचयू जैसी संस्थाओं से करते हो, किसी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी से करते हो, किसी आईआईटी जैसी संस्थाओं से करते हो तो वहाँ पे आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और बीएससी आईटी देखो बहुत सारी जगह लोग ऐसे हैं बीएससी आईटी वाले कि बीएससी आईटी किया, छोटे मोटे कोर्स करके भी वो बहुत दूर तक पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्किल अप किया, अपग्रेड किया। अपग्रेड हमेशा मैं इस हर वीडियोस में मैक्सिमम बोलता हूं, अपने स्किल पे काम करो, अपग्रेड करो अपने आप को। ये मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि एक पॉइंट पे आप रुक जाओगे, जब आप एक पॉइंट पे रुक जाओगे तो वहां से आपको आगे बढ़ने के लिए अपने स्किल पे, नॉलेज पे काम करने की जरूरत है। जब आप अपने स्किल नॉलेज पे काम करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए वहां पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी और उस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना होगा। जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाओगे, सही तरीके से नहीं उठाओगे, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जब स्किल की बात आती है तो बीएससी आईटी वाले ना किसी भी आईटी इंडस्ट्री में, बड़ी आईटी इंडस्ट्री में, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, उसके अलावा फिर एचसीएल हो, या फिर गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, लिंक्डइन हो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपने आप को एक वर्क करना पड़ेगा। ये साइटें खुद ही ट्रेन करती हैं, इनकी वेबसाइटों पे आप जाओगे, इनके बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होते हैं जो कोर्स कर करके उसके बाद फिर आप इन कंपनियों में जॉब ले सकते हो। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक पैकेज है बीएससी आईटी। अब उस पैकेज का आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो आप पे डिपेंड, आपका मैनेजमेंट किस तरह से है, उस पैकेज का यूटिलाइजेशन आप किस तरह से करते हो। बीएससी आईटी आप अगर सही जगह से नहीं कर रहे हो तो उसकी वैल्यू जीरो है, ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। बीएससी आईटी अगर आप सही प्लेस से नहीं करोगे, सही कॉलेज से, सही जगह से नहीं करोगे, किसी अनवांटेड जगह से ऑनलाइन फॉर्म भर के पढ़ाई कर लोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, स्किल अप नहीं करोगे, तो वो बीएससी आईटी को मैं कभी वैल्यू नहीं, वो बीएससी आईटी को तो कभी जॉब ही नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उस बीएससी आईटी को करने के बाद आप जॉब नहीं ले पाओगे, उस बीएससी आईटी को करने के बाद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उस बीएससी आईटी को करने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से सीखनी पड़ेगी कि किस तरह से बीएससी आईटी में एडमिशन ले, बीएससी आईटी के बेस्ट कॉलेज इंडिया में कौन से हैं, किस कॉलेज में जाएं, प्लेसमेंट कहाँ पे कितना है, रिव्यू क्या है कॉलेजों का, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक अपने करियर में कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे चीज़ों को समझोगे, कैसे चीज़ों को एनालाइज करोगे। तो चीज़ें जानना, समझना और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीएससी आईटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बीएससी आईटी के लिए ऑब्वियसली आपके लिए स्किल अप होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपकी टेक्निकल स्किल हो गया, इन सारी चीज़ों पर आपको प्रॉपर वे में वर्क करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर वे में वर्क करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, और जॉब आपके घर पे नहीं आएगी, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। तो डरिए मत, आगे आइए और अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। कंपनियां बैठी हुई हैं लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि आप उन कंपनियों के इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। 8-8 राउंड 5-5 8-8 10-10 राउंड इंटरव्यू होते हैं करोड़ों की पैकेज के लिए, तो वो इंटरव्यू क्रैक करने का पोटेंशियल होना चाहिए। डरो मत, आगे बढ़ो, और जब आप आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। बस वीडियो में इतना ही, होप गाइस वीडियो आपको पसंद आए। जो लोग टेलीग्राम पे कर रहे, चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, कमेंट पिन कर दे रहा हूं, जाकर के ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।